गाइज, आउटडोर में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मजा ही अलग है, बट मजे की बात और तब हो जाती है जब आपको प्रॉपर कैमरा सेटिंग्स पता हो, आपको ये पता हो कि आपने आउटडोर शूट कैसे करना है बढ़िया तरीके से, किन किन बातों का ध्यान रखना है। बट एज ए बिगनर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कैमरा पर्सन होते हैं, जब वो आउटडोर शूट करते हैं तो उन्हें बेस्ट आउटपुट निकालने की सेटिंग्स नहीं पता होती, या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं वो शायद कर रहे होते हैं शूट में, और जो आउटपुट निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने कैसे कैमरा सेटिंग्स करनी है, बेस्ट आउटडोर शूट कैसे करना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या टिप्स है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप आउटडोर अच्छा शूट कर पाए। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। मैं देता हूं अपना इंट्रो। सो हे गाइस, मेरा नाम साहिल है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर, और आप भी शामिल हो जाइए मेरे यूट्यूब परिवार में। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हम आउटडोर फोटोज में ढूंढते हैं वो होता है बैकग्राउंड ब्लर। मतलब काफी अच्छी फोटोज लगती है जिनमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, तो आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली सेटिंग जो आपने करनी है वो है अपर्चर प्रायोरिटी सेटिंग। अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है गाइस, अगर आप आउटडोर शूट करते हैं और आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड में डालते हैं तो आपको बार बार अपर्चर सेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार जो कैमरा सेटिंग्स है, शटर स्पीड है, वो सेट नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने अपने कैमरे को बता दिया कि भैया मेरे को 1.8 या 2.0 जो है अपर्चर चाहिए, मैं इसे नहीं हिलाने वाला क्योंकि मुझे बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर चाहिए, तो कैमरा ऑटोमेटिकली जो बाकी की सेटिंग्स है वो आपके लिए एडजस्ट कर देगा। इससे होगा क्या? इससे होगा आपका टाइम सेव, आप कॉम्पोजिशन और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। अब कभी सनलाइट तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, अलग अलग सिचुएशन पे मैटर करता है कि कैसी सिचुएशन है आपके वहाँ पर। तो शटर प्रायोरिटी में गाइज आपका टाइम बचता है, आप अपर्चर सेट कर देंगे, बाकी सेटिंग्स होती रहेगी और आप ध्यान देंगे बाकी की कॉम्पोजिशन और ओवरऑल शूट पर। तो सबसे पहली चीज़ यही है। मैनुअल पे गाइज प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया करिए, बट अपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट करिए अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि हाँ फटाफट शूट हो रहा है तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रहे अपर्चर प्रायोरिटी मोड हमेशा यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है गाइज, रो फॉर्मेट में शूट करना है। जेपैक में तो करिए, साथ में आप रो फॉर्मेट में भी लगाइए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो फोटोज है उसमें ज़्यादा डिटेल आएगी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आपको रो और जेपैक में फ़र्क नहीं पता तो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे मैंने कार्ड लगा दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो है लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपने करना ये है कि रो में शूट करना है, इसलिए करना है गाइस, जब आप आउटडोर शूट करते हैं आपको नहीं पता कब लाइट हार्श लगे, कब सॉफ्ट हो जाए, क्लाउड्स का कैसा जो है कंडीशन है, ओवरऑल वेदर कंडीशन कैसी है। तो आप हमेशा रो में शूट करें, सो दैट आप पोस्ट प्रोसेसिंग में, एडिटिंग में, फोटोशॉप में जब भी आप उस फोटो को खोलें, आपको लग रहा है एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए बहुत ब्राइट सनलाइट है, आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा कि किस तरह का जो है एक्यूरेट कलर आ रहा है, तो आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में रो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखें, जेपैक और रो में क्या फ़र्क होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रो का मतलब होता क्या है। तो हमेशा रो में शूट करें, जेपैक में रखना है, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी में शूट कर रहे हैं, आपने बहुत सारी फोटो शूट करने हैं, तो उसके लिए आप जेपैक का ऑप्शन रखें, मेमोरी कार्ड थोड़ा सा जल्दी फिल होएगा बट आपका काम भी बढ़िया होगा। तो आपने करना यही है, रो में शूट करिए। मान लीजिए आप हार्श सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हार्श लाइट पड़ती है या फिर जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो जाता है, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सेटिंग्स में गड़बड़ है, तो आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आउटडोर में हमेशा ध्यान रखिए, रो हमेशा शूट करना है जेपैक के अलावा। तीसरा है गाइज, आपने डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा नहीं होना है, वहाँ जाके ये देखना है कि लाइट कहाँ पर सॉफ्ट पड़ रही है। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं गलती करते हैं, क्या करते हैं कि मान लीजिए सनलाइट आ रही है सीधा फेस पर तो वो हार्श लाइट में शूट करते हैं। ऐसा नहीं करना गाइज, स्किन बर्न हो जाएगी यहाँ से, या फिर जब आप शूट करेंगे तो ये वाला एरिया ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ज़्यादा दिखेगी वो चीज़। वैसे आपकी स्किन टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो सनलाइट है वो कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, बट आपने अवॉइड करना है कि जहाँ हार्श सनलाइट हो वहाँ आपने शूट नहीं करना। स्मूथ लाइट हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि क्लाउड से जो है फिल्टर होकर लाइट आ रही है, या फिर जो है हार्श लाइट नहीं पड़ रही, वहाँ आपने शूट करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इससे होगा ये कि आपका एक्सपोजर भी बढ़िया रहेगा और जो ओवरऑल कलर टोन है वो भी ज़्यादा जो है येलोइश नहीं आएगी, मतलब एक
न्यूट्रल सा कलर आएंगे, बहुत अच्छे कलर्स आएंगे जब आप उसको डिफ्यूज लाइट में शूट करेंगे। तो हार्श लाइट को आपने हमेशा अवॉइड करना है, और ये देखना है कि सनलाइट की डायरेक्शन कहाँ से है। काफी लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए सनलाइट यहाँ से पड़ रही है तो वो शेडो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, हार्श शेडो भी अच्छी नहीं लगती, हार्श लाइट भी अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा आउटडोर में आप ध्यान रखें कि प्रॉपर लाइट आए फेस पर और उसके बाद आप शूट करें हार्श नहीं सॉफ्ट लाइटिंग। फोर्थ टिप है गाइज, फोकस पॉइंट्स को यूज करना है। बहुत सारे बिगनर ये गलती करते हैं, काफी जगह मैंने देखा है उनको ये गलती करते हुए। तो आपने क्या करना है, जब भी आप शूट कर रहे हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, तो आपने जो फोकस पॉइंट्स है सिंगल पॉइंट फोकस पे रखना है, या फिर आप जो फोकस पॉइंट्स है उन्हें यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कैमरे में कितने ऑप्शन आ रहे हैं। तो फोकस पॉइंट्स को आपने जो है मैन्युअली सिलेक्ट करना है और उसको रखना है आई के ऊपर, आंख के ऊपर हमेशा फोकस करें जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं। उससे होगा क्या, आपका फोकस एक्यूरेट आएगा, ना पीछे जाएगा ना शोल्डर पे जाएगा, सीधा फेस पे आएगा जब आप आई पे करेंगे। ऑटोमेटिक पे गाइस कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने लग जाता है कि आपको कौन सा एरिया चाहिए फोकस में। बट आउटडोर शूट जैसे कि मैंने आपको बताया इतनी हार्श लाइट होती है, आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि आप LCD में देख के जज कर पाए कि एक्चुअली फोकस हो कहाँ रहा है। तो आपने जो फोकस पॉइंट्स है उसको आई पर रखना है और उसके हिसाब से फोकस करना है। आप मैनुअल फोकस भी कर सकते हैं बट मैनुअल फोकस में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपने ऑटोमेटिक फोकस पे रखना है और जो फोकस पॉइंट्स है वो करना है आई पे सिलेक्ट। लास्ट टिप है गाइज वाइट बैलेंस, आपने हमेशा जो है वाइट बैलेंस कस्टम पर रखना है। मैंने बहुत सारे ऐसे बिगनर्स को देखा है जब वो शूट करते हैं तो वो ऑटो पे डाल देते हैं कि अपने आप जो वाइट बैलेंस सेट होता रहेगा, भैया हम तो कर रहे हैं शूट। तो ऐसा नहीं करना गाइज, आपने कस्टम वाइट बैलेंस रखना है। वाइट बैलेंस क्या होता है, स्किन की जो ओवरऑल टोन है, जो एम्बियंस है, वो आपने क्या कलर देना है, वार्म देना है या फिर कूल देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बहुत ही येलोइश जो है फोटोज आएंगी, या फिर जो कैमरा है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा जो उसे अच्छा लगेगा, मतलब जो मीटरिंग एक तरह से या जो रीडिंग जो है वो करेगा उस हिसाब से आपकी फोटो आएगी। बट आपने ऐसा नहीं करना, कस्टम वाइट बैलेंस करें, जो जितना आपको कलर टोन चाहिए, जैसी कलर टोन चाहिए आप वैसी सेट करिए। अगर आपको वाइट बैलेंस नहीं आता, आपको नहीं पता वाइट बैलेंस होता क्या, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक पर भी कोशिश करूंगा वीडियो लेके आने की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हमेशा आपने जो है कस्टम वाइट बैलेंस यूज करना है और उसके बाद पोर्ट्रेट शूट शुरू करना है। मतलब पहले टेस्ट कर लीजिए कि किस तरह की कलर टोन आ रही है, एडजस्टमेंट करके देखिए सेटिंग्स की, जहां सेटिंग फाइनल लगे वहां पर जो है आपने शूट करना शुरू कर देना है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। इनको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप पक्का कह रहा हूं आपकी जो फोटोग्राफी आउटडोर की वो पूरी चेंज होने वाली है, पूरा आपको मजा आ जाएगा कि आप किस तरह से जो शूट कर रहे थे पहले और किस तरह से आप करते हैं इन सेटिंग्स को चेंज करने के बाद। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आउटडोर शूट में किस तरह से शूट किया जाता है। इनकेस अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका होस्ट और दोस्त पूरी कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट के आंसर देने की। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में लगी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाहे मोबाइल से शूट करते हैं, DSLR से करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये जो टिप्स हैं ये मोस्टली टिप्स जो मैंने बताई है वो फोन फोटोग्राफी में भी काम आती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, आप सभी अपना ध्यान रखें।